मकर राशि पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा गुरु का राशि बदलाव से, यानी गुरु का जो चेंज हुआ है वो वृष राशि में है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए किस तरीके की संभावनाएं बना रहा है। आपकी राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी, यानी आपके द्वादशेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, और ये आपके गोचर करने वाले हैं आपकी राशि से पंचम भाव में। तो पंचम भाव तो वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, गुरु का बैठने का स्थान बहुत शुभ इसके ऊपर फल देता है, लेकिन भाव कहाँ के स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं, पंचम के साथ तो अच्छा संबंध बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कहाँ है, विदेश में भी घुमा रहे बट बहुत सारा खर्च करवा दे रहे हैं। धन के कारक है ना, 12वें भाव को कहीं ना कहीं लॉस की तरफ इंडिकेट करते हैं कि वहाँ से यहाँ पे आकर के पैसे को थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहे हो, संभाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन खर्चा तो करवाएंगे करवाएंगे, ये नहीं कह सकते कि आप खर्च नहीं कराएंगे, खर्च कराएंगे, मेहनत करवाएंगे, पैसा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। जो बच्चे विदेश में जाना चाहते थे पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन, बहुत सारे बच्चों के सपने होते हैं कि हायर एजुकेशन हम बाहर जा कर के करके आए। दो तरीके हैं, एक तो होते हैं कि मम्मी पापा के पैसे उड़ाने के लिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, 2 साल हम बाहर काटेंगे, मस्ती मारेंगे, उसके बाद चले आएंगे। लेकिन जो बच्चे सिंसियरली वाकई ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है। अब ऐसा नहीं है जो मम्मी पापा का पैसा उड़ाने वाले हैं ना, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देखिए कितना अच्छा फायदा मिलेगा, आपका बच्चा सही दिशा की तरफ जाने लगेगा, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ होगा ना, तो यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा नहीं ऐसा है ना, माइंडसेट तो ये बना करके गए थे कि मम्मी पैसा का पैसा है, हम उड़ा के थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर के ना इनका माइंड चेंज होगा, अरे नहीं यार मम्मी पापा का पैसा है हम वेस्ट कर रहे हैं, यानी खुद के अंदर माइंड के अंदर इनके बड़े अच्छे डेवलपमेंट होगी। तो आपके बच्चों को तो ये फायदा देने वाले हैं, हायर एजुकेशन कराएंगे, विदेश की एजुकेशन भी करा सकते हैं अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं या माइंड के अंदर है कि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब दूसरा आपके और बहुत सारे फायदे करवाने वाले कि आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं विदेश में, टाई अप करके कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है। एक और बहुत अच्छा है कि कोई बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ मिलने का एक माइंड के अंदर होता है कि काश हम ऐसे लोगों को देखें। जब बड़े आपके सपने से दूर होते हैं कुछ लोग, उनका रुतवा आपके सपने से बहुत दूर होता है, तो आपके माइंड के अंदर होता है अरे ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा बैठ करके समझना चाहिए कि इन लोगों के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये बिल्कुल महान है, एकदम महान है, और हट करके हैं थोड़ा सा, कमाने में हो, चाहे पर्सनैलिटी में हो, चाहे उनके फॉलोअप्स में हो, फॉलोअवर्स हों, यानी कुछ मिलाकर एक अलग होता है, इनको समझने का मन करता है। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी के साथ, ऐसे डिफरेंट रॉयल पर्सनैलिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, आपको उन्हें उनके बारे में जानने का, समझना क्या है, आप उनके बारे में जान पाएंगे, उनके बारे में जानने का आपको एक अवसर मिल सकता है, आप उनकी होरा में जा पाएंगे। देखिए महान पुरुषों की होरा में जाना बहुत अच्छा होता है, या फिर एक बहुत ही अच्छे अपने लेवल को जिसने अचीव किया हो और बहुत ही रिस्पेक्टफुली अचीव किया हो, ऐसे नहीं कि हवा में तू तड़ाक वाला, ऐसा नहीं, एक बहुत अच्छे लेवल से जिसने किसी को अचीव किया हो कुछ चीज़ों को, ऐसे पर्सनैलिटीज़ के साथ आपका मिलने का एक सौभाग्य होगा और आप कुछ उनसे ज्ञान हासिल कर पाएंगे, उनकी एक पर्सनैलिटीज़ को देखते हुए आप अपने जीवन के अंदर उसके कुछ अंश डाल पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट आपको इस पीरियड के दौरान जो है वो मिलेगी। अब आते हैं कि आपके ऊपर किस तरीके के और प्रभाव पड़ेंगे, माइंड इन्हेंसमेंट। कई बार हम लोगों का ना माइंड स्टक कर जाता है कि उसके आगे बढ़ नहीं पाते, हम एक जगह पर अटके होते हैं, बस इसके आगे नहीं चल पाते हैं, तो वो वहीं के वहीं फिक्स है, उसके आगे बढ़ने का उनका विजन तो है लेकिन उस विजन को अपना यूज़ नहीं कर पा रहे, तो स्टक हो गया माइंड। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका माइंड का इन्हेंसमेंट होगा,
आपकी बुद्धि ही निखरेगी, आप अपनी माइंड का अच्छा सहयोग ले पाएंगे अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्कियों के लिए, अपनी जिंदगी को निखारने के लिए। तो ज्ञान भी मिलेगा और ज्ञान के अंदर एक वृद्धि भी होगी और ज्ञान के अंदर एक डेवलपमेंट के साथ, वृद्धि के साथ आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जिन मौकों को आप काफ़ी समय से तलाश भी रहे थे। यानी सोर्स भी बन गया और तरीका भी बन गया और आप उस तरफ अपने कदमों को बढ़ा भी पाए। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट का एक रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आती है कि कुछ, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लेते हैं लेकिन फिर हम ढूंढते हैं शांति और सुकून। हम कहते हैं पैसा आ गया, हमारा रुतबा आ गया, बट हम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है, शांति नहीं है हमारे मन के अंदर, सुकून नहीं है। तो एक सुकून की, एक ऐसे दिव्य गुरु जो होते हैं वो आपके जीवन में, आपकी होरा में, आपके संपर्क में आ सकते हैं। तो आपको एक ज्ञान की, अच्छे ज्ञान की अनुभूति भी होगी और उस ज्ञान के पथ पर आप चल भी पाएंगे, अपने जीवन को संतुलित कर पाएंगे, बैलेंस जिसे हम कहते हैं कि अपने जीवन को हम सही तरीके से जीने का प्रयास कर पाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जीवन तो सारे जीते हैं लेकिन एक सही तरीके का जीवन जीना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो नियमों को कैसे फॉलो करना है, क्या खाना है, कब उठना है, कितना विचार, कितना बात, कितना दूसरे के साथ संपर्क में आना, यानी कुल मिला करके एक आपकी जीवन को, आपकी जीवन की पूरी रूपरेखा को व्यवस्थित कर देते हैं, सेटल्ड कर देते हैं। तो जो आगे आने वाला समय होता है आपके जीवन का वो बहुत अच्छा निखरने लगता है, वो आपके जीवन के अंदर एक अच्छी उपलब्धियां लेकर के आते हैं। क्योंकि जब आप बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं, तो आप कोई भी फैसला लेते हैं वो फैसला आपके जीवन का बेस्ट फैसला होता है। तो आप अच्छे फैसले ले पाएंगे, अच्छे फैसलों पर चल पाएंगे और अपने जीवन को एक संतुलित जीवन बना पाएंगे। ये भी आपके जीवन में एक एडिशन, आपको एक फायदा मिलने वाला है। अब आते धन, धन किसे नहीं चाहिए, हर किसी को धन चाहिए, तो धन होना भी चाहिए। लेकिन धन तो आएगा पर धन के साथ थोड़ी सी परेशानियां भी आएंगी, स्ट्रेस भी आ सकता है। तो वो धन को ज़रा संभालने की कला संभालिएगा। तो जब अच्छे गुरु, अच्छे लोग, अच्छे कुछ व्यक्ति विशेष गण आपकी ज़िंदगी में आए तो वहाँ से थोड़ा सा डिसिप्लिन रहने का प्रयास भी कीजिएगा, वहाँ से कुछ अच्छी शिक्षा हासिल कीजिएगा, ताकि जो भी आप अपनी मनी का यूटिलाइजेशन है या अपने सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें उसको बहुत ही अच्छे एक बैलेंस वे में कर पाएँ, ताकि आने वाले टाइम में आप एक अच्छे समझदार व्यक्तियों की रूपरेखा में आ जाए। क्योंकि आप बनना चाहते हैं ऐसे, जैसे आप कल्पना कर रहे थे कि काश हम ऐसे पर्सनैलिटीज़ को मिल सके, ऐसे ही आने वाले टाइम में अगर आपने यहाँ संभाल लिया तो ऐसे ही आने वाले टाइम में लोग आपकी मिसालें देंगे, काश हम भी ऐसे होते, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये जो 360 डिग्री घूमती है ना जब कुछ चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा एक आभास कराती हैं। आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करने चाहिए, आपको उपाय करने चाहिए शनि देव के। धैर्य देते हैं, वो स्टेबिलिटी देते हैं, भले ही स्लो चलते हैं, जल्दी हड़बड़ाहट नहीं मचाते हैं, स्लो चल करके वो अपने मिशन को अचीव करते हैं। तो आपको शनि देव के उपाय करने चाहिए। आपको करना चाहिए कुछ ऐसे नीडी, ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे संस्थान बने हुए हैं वहाँ पे जाकर के आप उनके साथ कुछ समय, कुछ उनके दिल की बात उनके साथ कुछ समय बिता करके कर सकते हैं। कुछ उन्हें सहयोग की ज़रूरत है, आप उन्हें सहयोग दे सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का। देखिए सहयोग, सबसे बेस्ट सहयोग तो आपके समय का ही होता है, जो कि हम पैसे दे देते हैं, समय नहीं देते हैं अपना। तो आप समय अगर देंगे तो आपके पैसों से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखेगा। तो आप जब उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, एक आपकी होरा बहुत अच्छी होगी, दूसरा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, आपके अंदर धैर्य भी आएगा, सुकून भी आएगा, सहनशीलता भी आएगी और साथ के साथ कर्म भी सुधरेंगे और आपका जीवन निखरेगा। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा,
वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।